मेरे चैनल पे आपको वैगन आर का वॉक अराउंड मिल जाएगा, जिसमें मैंने इसके टॉप मॉडल का वॉक अराउंड किया है, जिसमें मैंने इसके सारे ही फीचर्स बताए हैं। लेकिन ये वीडियो जो है वो है आने वाली वैगन आर की। मैं बात कर रहा हूँ 2023 में आने वाली वैगन आर की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं रिव्यू विद विकास। कैसे हैं आप? मुझे तो लग रहा है भाई मारुति अब फुल एक्सेलेरेटर दबा के चल रही है। इतने जबरदस्त मॉडल निकाले भाई अभी रिसेंट में। ब्रीजा आई, विटारा आई, ऑल्टो आने वाली है जो अगस्त में लॉन्च होगी। इसका वॉक अराउंड सबसे पहले हमेशा की तरह मेरे ही चैनल पर मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आने वाली है मारुति सुजुकी वैगन आर। जी हाँ, अभी जो आप स्क्रीन पे विजुअल देख रहे हैं वो है जापान में आने वाली नई नवेली वैगन आर की। और ये जो है भाई कार 2023 में मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास इंडिया में आ जाए। अब इस वैगन आर को देख के आपके दिमाग में एक गाड़ी एकदम से आ गई होगी। अगर आपको आ गया है वो जवाब तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो को पॉज करके। लेकिन अगर नहीं आया है तो मैं बता दूं, ये एकदम या कुछ टोयोटा वेलफायर की तरह लग रही है ना। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा भाई। वैगन आर को एकदम ही बोल्ड और ब्यूटीफुल बना दिया है। आगे के फ्रंट की बात करें तो इसमें लुक वाइज अभी की वैगन आर से 0% सिमिलैरिटी है। पूरा का पूरा चेंज कर दिया गया है। हेडलाइट्स, बम्पर, ग्रिल, ब्रांडिंग हर कुछ चेंज कर दिए है। साइड में आए तो साइड में भी इसके डिजाइन को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। एक्सटीरियर की बात करें तो एक्सटीरियर में अभी की वैगन आर 2023 में आने वाली वैगन आर से बिल्कुल अलग है। अब आ जाते हैं भाई इसके फीचर पे। फीचर में बात कर ले तो इसमें आएगा सुजुकी कनेक्ट, जो अभी तक हमें ब्रीजा और बेलेनो और विटारा में मिल रहा था, बट अब इसमें भी आपको सुजुकी कनेक्ट मिलेगा। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स, ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। अब एक चीज इसमें बहुत काम की चीज जो आने वाली है वो है स्मार्ट हाइब्रिड मोड, जो अभी फिलहाल विटारा में आ रहा है। तो क्या ये भी शुरू के 20-25 किलोमीटर इलेक्ट्रिक पे चलने को तैयार होगी? ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर आ गई तो भाई मार्केट में इसके मुकाबले कोई भी नहीं टिकेगा। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मुझसे पूछे तो भाई ये गजब की लग रही है, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो साथ साथ वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इसी चैनल पर आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से हर बड़ी छोटी खबर देखने को मिलती है। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।